हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट टू देखेंगे जो हमने पार्ट वन में छोड़ा था। पार्ट वन में हमने स्टडी किया था एलसीएम एचसीएफ निकालना नंबर्स का। आज देखेंगे जब हमारे पास नंबर्स की पावर दी होती है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह है हमारे पास 8 की पावर 2, 8 की पावर 15, 8 पावर 25, 8 पावर 40। तो सबसे पहले हमने इसका HCF निकालना है और उसके बाद LCM। तो फ्रेंड्स, HCF निकालने के लिए हम अगर सभी का बेस 1 है तो जो मिनिमम पावर इन चारों नंबर में अवेलेबल है, मिनिमम पावर है 2। देखिए 2, 15, 25, 40 में मिनिमम पावर है 2, तो वो हमारा HCF आ जाएगा। और जब हमने एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर है, बेस सेम रहेगा और जो सबसे बड़ी पावर है वही हमारा एलसीएम होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। यहां पर सभी का बेस 11 है, देखिए। और जब बेस सेम होता है तो एचसीएफ हम निकालते हैं बेस की मिनिमम पावर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एलसीएम बेस बराबर है तो मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर देखिए यहां पर 18 है, तो 11 पावर 18 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास बेस मिक्स हो, जैसे यहां पर 5 है, 3 है, 2 है, 2, 3, 7, तो इन नंबर्स में जब पावर भी दी हो, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर बेस मिक्स हैं या बहुत सारे हैं, जैसे 5, 3, 2 है, 2, 3, 7 है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम पावर्स लेंगे जो हमारे पास बेस दिए होंगे। यहां पर देखिए हमारे पास कॉमन कौन सा है, 2, यहां भी 2 है, 3, यहां भी 3 है, 5 यहां है, 7 यहां है, तो ये नहीं होंगे, 5 और 7 नहीं आएंगे हमारे पास, जो कॉमन है। अब कॉमन 2, यहां पर 3, पावर मिनिमम आएगी इन दोनों में, तो यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 1 आएगी, 3 की पावर 1, 2 की पावर यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो मिनिमम पावर आएगी 3। और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यहां से 2 का पावर 3, 2 पावर 3 8 मिलेगा, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। HCF के बाद है LCM। तो LCM ने हमने क्या करना है, सभी बेस की मैक्सिमम पावर जो भी अवेलेबल है, तो यहां पर 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 7 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, तो हम लिखेंगे यहां पर 5। अब 3 की देखेंगे, 3 की यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो हमें मैक्सिमम पावर 2 मिलेगी। 5 एक जगह है, यहां पर 3 यहां नहीं है, तो 5 की पावर 3 रहेगी। 7 यहां है, यहां नहीं है, तो 7 की पावर 1 रहेगी। और जब हम इसी को सोल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, यहां पर हमें HCF LCM निकालना है। तो HCF के लिए मैंने बोला है कॉमन बेस चाहिए, तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, इसलिए हम 2 को रिजेक्ट कर देंगे। 3 है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे इनटू। 4 है, 4 यहां नहीं है, तो 4 को रिजेक्ट कर देंगे। 7 यहां है, 7 यहां है, तो 7, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना है जो कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन है उनकी पावर देखेंगे, तो पावर 3 यहां पर 3 मिनिमम पावर, तो 3 स्क्वायर। 7 यहां है, 7 यहां पर है, तो 7 की पावर 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 7 जा LCM। एफ निकालने के लिए सभी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, उनकी मैक्सिमम पावर, सभी बेस की मैक्सिमम पावर, तो 2, 3, 4, देखिए 5 भी है हमारे पास, 7 भी है, 11 भी है। अब जो दोनों जगह से मैक्सिमम पावर मिलेगी, तो 2 की पावर 4 है, यहां नहीं है, तो मैक्सिमम आ गए। 3 की पावर यहां 2 है, यहां 3 है, तो हमें 3 चाहिए। 4 देखिए यहां पर है, यहां नहीं है, तो यही पावर लेंगे। 5 की पावर यहां पर 4, 7 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां 2, 11 यहां है, यहां नहीं है, तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको हम पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहां पर 3 की पावर 1 आएगी, यहां 3 हो जाएगी, यहां पर 3 की पावर 7 और यहां पर 3 की पावर 15। अब ये फ्रैक्शन बन गई, तो फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला, तो फ्रैक्शन में HCF निकालने का फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमिनेटर ओवर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर यहां पर 1 है और 1 का HCF 1 होता है। डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे LCM में, जो मैक्सिमम पावर है, 3 की पावर 1, 3, 5 पावर
15, यही हमारा एच सी एफ आ गया। और एलसीएम जब हमने फ्रैक्शन का निकालना है तो सबसे न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में एच सी एफ, तो यहां पर 111 का एलसीएम 1 रहेगा और एच सी एफ क्या आएगा, इन सब की मिनिमम पावर, तो ये है 3। और इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन को एक बेस के हिसाब से रखेंगे, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, और उसके बाद 2 into 5 को लिख सकते हैं अलग अलग से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 power 4, 5 power 4। अब देखिए ये फ्रैक्शन बन गई। एच सी एफ निकालने के लिए एच सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर को एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो यहां पर ऊपर 1 है तो एच सी एफ 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एल सी एम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर, तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 की पावर 4 है, देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 आ गया। उसके बाद बचा 5, तो 5 की पावर 4, और ये हमारा एच सी एफ आ गया। अगर हमने एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम न्यूमिनेटर का 111 का एलसीएम 1 मिलेगा, और एच सी एफ कैसे मिलेगा, इनकी कॉमन पावर जो है उसका मिनिमम पावर, कॉमन बेस का मिनिमम पावर, तो एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर आएगा हमारा, ये जो बेसिस है हमारे पास उसमें मिनिमम पावर, बेस की मिनिमम पावर, तो हमारे पास बेस 2 है और 5 है, तो 2 की मिनिमम पावर है यहां पर 2, और 5 की मिनिमम पावर है 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, और ये मिल जाएगा 1/100। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर पार्ट 2। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन एकदम से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।